तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो हमेशा एक तरह एक वीडियो और लेकर के मैं आया हूं। तो मैं चलिए आपको मैं दिखा दूं इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले पावर की को प्रेस करते हैं और ये बूट हो रहा है, ऑन हो रहा है। गाइस अभी देख सकते हैं हमारे पास M21 है, सैमसंग का मॉडल है। ये बेसिकली रिस्टार्ट हो रहा है, रिस्टार्ट एंड स्टक इन लोगों पे है। तो ये इसका सोल्यूशन हम करने वाले हैं। लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा किसका हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी ये हैंग ऑन लोगों पे है, ये काफ़ी टाइम से लोगों पे ही है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग तो जा रही है। और चलिए फिर इसके वीडियो को आप लास्ट दिन तक देखिएगा, और आप हमारे चैनल हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे कर दिया है इसको, PPT को कर दिया है फिल, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ओनली रैम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रैम रिवॉल्व से नहीं होगा तो फिर हम CPU भी करेंगे। फिलहाल ओनली रैम रिवॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में ऐसे ही बने रहे हैं। दिख रहा है चलिए गाइज, ओनली इसमें रैम हमने चेंज किया। आप देखते हैं फ़ोन हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है। हमने इसको ऑन कर दिया है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो इसकी पावर की को मैं आपको प्रेस करता हूँ। तो मतलब गाइज, अगर आप इसको हैंड स्किल से काम करते हैं, अगर आप परफेक्ट तरीके से काम करते हैं, तो गाइज आप इसको ओनली रैम रिवॉल्व करके भी इसका जो रिस्टार्ट है और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। We'll be right back.